अस्सलाम वालेकुम तलबा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महारतें और काम करने की सलाहियतें। अजीज तलबा, जैसे कि आपने एक कहावत सुनी होगी या बड़े लोग कहते हैं कि इंसान हर चीज माँ पेट से निकल नहीं आता है ना, ये कहावत आपने अक्सर सुनी होगी। तो इस कहावत का मतलब क्या है? जैसे कि आप जानते हैं, जब एक बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है या पैदा होता है तो उसे रोने के अलावा कोई काम नहीं आता। ओके, रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। शुरुआत में अगर आपने देखा होगा तो वो अपने हाथ पैर हिलाते हैं, है ना, रोते हैं, भुखारे भरते हैं, इसके अलावा वो कोई चीज नहीं कर पाते। फिर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, एक महीने के, दो महीने के, तो उनके अंदर वो बदलाव आते हैं। जैसे उम्र, उनकी उम्र बढ़ रही, नशोनुमा हो रही है, तो वो सलाहियतों में आते थे। अब सलाहियतों से मुराद क्या है? अब जैसे कि अगर वो किसी शख्स को पहचानते हैं तो उसकी तरफ गर्दन करते हैं, उसे देखकर मुस्कुराते हैं, फिर वो चीजों को पकड़ना शुरू करते हैं। अगर आप कोई छोटे बच्चे के आगे अगर आपका अपना चेहरा लेकर जाए तो हमारे बाल पकड़ने की कोशिश करते हैं, हमारे नाक पकड़ने की कोशिश करते हैं, करते हैं ना? बिल्कुल जी करते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे नशोनुमा होती है, वो सलाहियतें सीखते जाते हैं। ये बच्चे अपनी खुद की हरकत पर काबू पाते हैं और अपनी हरकत के दरमियान एक आहमंगी पैदा करके नए नए चीजें सीखते हैं। जैसे अगर वो जब छोटे थे, जब अगर चम्मच पकड़ पाते थे तो कुछ वक्त के अंदर उस चम्मच को अपने मुंह तक लेकर जाने लगे हैं। अब वो उनके हाथ में अगर कोई चीज आ जाए जो आवाज कर सकती है तो उसको जमीन पर पटकते हैं ताकि उससे आवाज हो, है ना, सारी चीजें करते हैं बच्चे। तो खुद की हरकत पर काबू पाकर कोई काम सीखना, ये महारत कहलाता है। अजी सलवा, अगर आपने देखा होगा घर में तो वो माहौल कैसा होता है जब हमारे घर में एक नन्हा बच्चा होता है, वो चलना सीखता है, वो जैसे ही अपना पहला कदम डालता है तो घर वालों को कितनी खुशी होती है ना, बहुत ज्यादा होती है। वो जैसे ही अपने मुंह से पहला हर्फ बोलने वाला होता है, वो कुछ भी बोले, अम्मी, अबू वगैरह वगैरह, मगर वो खुशी कितनी होती है ना। तो जब बच्चा नई नई महारत सीखता है तो घर वालों को बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो जैसे जैसे वो नई नई चीजें सीखता है और घर वालों के सामने करता है तो घर वाले इसकी हिम्मत अफजाई करते हैं, कह रहे वाह, बहुत अच्छे, वगैरह वगैरह। ऐसे करते करते वो अपनी सलाहियतों में इजाफा करते जाता है और उनको दिन ब दिन मजबूत करता जाता है। अजीज तलबा, हम किसी भी तरीके की महारत को हासिल करने के लिए कोई एक बहुत ही छोटे पैमाने पर शुरुआत करते हैं। अजीज तलबा, हम इसमें अभी मिसाल लेंगे, क्रिकेट खेलना। अजीज तलबा, आप बताइए कि एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा क्रिकेट खेल सकता है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं खेल सकता है। शुरुआत में पहले वो गेंद पकड़ना सीखता है जब बच्चा छोटा होता है, फिर कुछ अरसे के बाद में उस गेंद को फेंकना सीखता है ना, उस गेंद को फेंकना सीखता है। फिर वो जब बच्चा छोटा होता है, मतलब उसके एक दो तीन महीने में चल नहीं पाता, फिर एक वक्फे के बाद उसको चलना सीखता है, फिर और कुछ वक्फे के बाद में वो दौड़ना भी सीख जाता है। तो अब वो दौड़ते हुए गेंद फेंकता है। तो ये हर महारत को सीखने का जो एक वक्त होता है और एक वो महारत सीखने के लिए हमें वक्त लगता है। तो जैसे जैसे हम हमारे खुद की हरकत पे काबू पाते जाते हैं और जैसे जैसे इनके बीच में आहमंगी बढ़ती जाती है, हम नई नई महारतें सीखते जाते हैं, जैसे कि दौड़ना, बॉल फेंकना, साइकिल चलाना, है ना, पढ़ाई करना। पढ़ाई करने के मामले में भी ऐसा ही है, पहले हमको हरूफ तहजी सीखना होती है, उसके बाद में हम हरूफ सीखते हैं, लफ्ज सीखते हैं और फिर हम जुमले पढ़ना सीखते हैं। तो ये भी एक महारत है। तो महारत को एक बुनियादी नुक्ते से शुरू करना होता है या सीखना होता है।